हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम बेस ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता तो चल गया कि भाई बेस ईयर से हमें पता चलेगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितना लोड रजिस्ट कर पाएगा, लेकिन वो कितना लोड रजिस्ट कर पाएगा उसकी वो कैलकुलेट करने के लिए हमें बेस ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बेस ईयर कैलकुलेट करने के लिए ये मैं इंडियन कोड IS 1893 पार्ट 1 2002-2016 ये एक कोड है, इंडियन कोड, वो आप रिफर कर सकते हो। लेटेस्ट वर्जन है 2016 और 2002 का कोड भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसमें क्लॉज नंबर 7.2 अगर आप देखोगे तो वो है लेटरल फोर्स। और लेटरल फोर्स के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दी गई हुई है, लेटरल फोर्स VB माने बेस शियर, और VB की फॉर्मूला है AH × W। अब ये W क्या है? W है हमारा टोटल सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये W हमें किस तरीके से फाइंड करना है? अब W क्या होता है कि मान लो कि आपका ये एक स्ट्रक्चर है और उसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स है। अब सब फ्लोर का डेड लोड स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा, सब फ्लोर का लाइव लोड भी स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा। अब जब अर्थक्वेक होता है तो डेड लोड जो है, सेल्फ वेट है, वो एज इट इज रहता है, मतलब डेड लोड कभी भी चेंज नहीं होता। तो जब हम सिस्मिक लोड कैलकुलेट करते हैं, बेस शियर कैलकुलेट करते हैं, उसमें W सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हमें डेड लोड फुल लेना है, मतलब डेड लोड में कोई रिडक्शन नहीं करना है, जितना डेड लोड है उतना ही हमें लेना है। लेकिन आप लाइव लोड रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि जब अर्थक्वेक होगा तो सब भी पीपल ऑब्वियसली इट विल बी गो मूव डाउन टू द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, वो नीचे आने की कोशिश करेंगे ताकि वो अर्थक्वेक से बच सके। तो लाइव लोड जो है वो हमारा रिड्यूस हो सकता है। अब डेड लोड और लाइव लोड दोनों कंबाइन करके एक लोड होता है, दैट इज फ्लोर लोड। और आप फ्लोर लोड 1, फ्लोर लोड 2, 3, 4 ऐसे आप फ्लोर लोड भी क्रिएट कर सकते हो। और फिर डिफरेंट फ्लोर के लिए डिफरेंट लाइव लोड का रिडक्शन फैक्टर है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर उसको आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैपिटल W दैट इज सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग, और फिर या तो फिर स्टार प्रो डिपेंडिंग ऑन योर कोड फॉलो बाय योर कंट्री, स्टार प्रो भी आपको लोड कैलकुलेट करके दे देगा। तो बेसिकली ये वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से बेस ईयर का क्या इंपॉर्टेंस है और बेस ईयर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है। बेस ईयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है VB = AH × W, और उसमें हमने W के बारे में बात किया, W दैट इज सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग।